जनपद संभल के चंदोसी में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने कुष्ठ आश्रम में खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस समय देश में प्रधानमंत्री के आह्वान पर 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इसके तहत यूपी के भी समस्त 75 जिलों में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है, जो कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज ही पानी पीते हैं। ऐसे लोगों की मदद की इस संकट के समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे ही लोगों का दुख दर्द समझते हुए जनपद संभल की भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पुष्पलता पाल ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और कुष्ठ आश्रम में लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। इस विषय में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने बताया कि वे पहले भी कुष्ठ आश्रम में लोगों की मदद कर चुकी हैं, जबकि इस संकट की घड़ी में इन्हें हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मैं इनकी मदद के लिए सदैव तैयार हूँ। आज जो आपने कुष्ठ आश्रम में ये वितरण किया है खाद्य पदार्थ, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे कि इस समय हमारा पूरा देश महामारी कोरोना से गुजर रहा है, परेशान है, सब संकट में है। तो कई दिन से मेरा विचार था, पहले भी मैंने एक दो बार भाई के हाथ भिजवा दिया यह सामान, और आज दोबारा फिर मैं यहाँ खुद आई और आकर के मैंने इन सब भाइयों को अपने हाथ से बनाए थे मास्क, क्योंकि एक दूसरे से ही एक रोग फैल रहा है, तो उसके लिए एक तो मास्क मैंने अपने हाथ से जो बनाए वो दिए। दूसरा खास सामग्री, चूँकि ये लोग कहीं कमा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, और इनको हम लोगों का ही सहारा है, तो मैं इनको कुछ जो भी मेरे पास था वो मैंने दिया है, इनकी मदद की।